नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत है आपको अभी YouTube चैनल टेक्निकल विजय में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कार्डलेस ट्रांजेक्शन के बारे में। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि योनो एक ऐसा ऐप है जो आपको प्रोवाइड कराता है कार्डलेस ट्रांजेक्शन। जी हां दोस्तों, आप इस ऐप को यूज करके आप अपने ATM या फिर आप डेबिट कार्ड कुछ भी कह लीजिए उसके बिना भी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और जो है ATM से कैश विड्रॉ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा उसी ऐप के बारे में और आपको बाकायदा ये करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है ये कैश निकाल सकते हैं अपने कार्ड के बिना योनो ऐप की मदद से। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो ये जो योनो ऐप है जिसके मदद से आप कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे बिना ATM या फिर डेबिट कार्ड कुछ भी कह लीजिए उसके बिना आप ATM से पैसा निकाल पाएंगे, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगा। तो दोस्तों इसमें से पहला जो चीज़ है वो है आपको जो है SBI अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो योनो ऐप है ये फर्स्टली लॉन्च किया है SBI ने, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो कार्डलेस ट्रांजेक्शन है वो केवल अभी सिर्फ SBI ही आपको प्रोवाइड करा रहा है, बाद में बाकी बैंकों में ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। अभी के लिए ये जो योनो ऐप है वो सिर्फ SBI कस्टमर के लिए है। दोस्तों ये जो कार्डलेस ट्रांजेक्शन है जो योनो ऐप प्रोवाइड करा रहा है उसका सुविधा लेने के लिए जो है दोस्तों आपको एक SBI अकाउंट होना चाहिए और उसके साथ दोस्तों उसी अकाउंट में आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग जिसको आप नेट बैंकिंग बोलते हैं वो भी एक्टिवेट रहना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने ब्रांच में चले जाइए और वहाँ से जो है आप अपना जो है इंटरनेट बैंकिंग का जो सेवा है, इंटरनेट बैंकिंग का जो सर्विस है वो एक्टिवेट करा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको योनो ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। जैसे ही आप डाउनलोड करिए तो उसके बाद आपको जो इंटरनेट बैंकिंग का जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया था उसको देख के आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो ऐप खोलने के बाद ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली चले जाइए, तो यहाँ पर अगर आप ऐप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे, आपका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो भी चेक कर पाएंगे। अगर आप ऐप के एकदम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक योनो कैश बोल के ऑप्शन मिलेगा, तो उसी ऑप्शन अगर आप जाएंगे तो वहां से आप अपनी कोई भी नजदीकी ATM से जो योनो कैश प्रोवाइड कराता है वहां से आप ये जो कैश विड्रॉ कर पाएंगे आपकी ATM की मदद के बिना। दोस्तों चलते कोई एक नजदीकी ATM में और वहां पर मैं ATM कार्ड के बिना योनो ऐप की मदद से जो यहां पर पैसा विड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, तो आइए। तो दोस्तों मैं यहां पर ATM में पहुंच गया हूं और यहां पर मैं अपना जो योनो ऐप है उसको मैं ओपन कर लेता हूं। और दोस्तों जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे 6 डिजिट का पिन कोड डालना पड़ेगा, एक MPIN डालना पड़ेगा और ये वही MPIN है जो मुझे नेट बैंकिंग में जब मैंने इस ऐप में रजिस्टर किया था तब मुझे सेट करना पड़ा था, तो मैंने वो MPIN यहाँ पर डाल दिया। और जैसे ही मैंने ये MPIN डाल दिया आप देख सकते हैं कि मेरा ऐप ओपन हो गया और उसका इंटरफेस कुछ इस तरह है। यहाँ पर आप बैलेंस भी चेक कर पाएंगे, पर यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना होगा और योनो कैश में क्लिक करना होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट योनो कैश में आप चाहिएगा तो ऊपर आपको आपका अकाउंट नंबर शो करेगा और उसके बाद नीचे आपको आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर डाल के नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का पिन डालना पड़ेगा अपने से, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आप सिंपल पिन यहाँ पर मत डालिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा मत डालिए। कोई भी आप अपने मोबाइल नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर आप डाल दीजिए, जैसा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने भी यहाँ पर एक सिंपल पिन डाला था पर वो काम नहीं आया। उसके बाद मैंने जो है मेरे मोबाइल नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद जैसे ही हो गया मुझे नेक्स्ट करना पड़ा। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पर तो ऊपर आपको अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका अमाउंट, उसके बाद आपका पिन शो करेगा, उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर एक्सेप्ट करके कॉन्फर्म कर देना होगा। जैसे आप कॉन्फर्म कर लेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें एक OTP रिसीव होगा बैंक से, वो OTP रहेगा 6 डिजिट का। दोस्तों इसके बाद जो है आपको ATM स्क्रीन में जाना होगा, यहाँ पर आप सिलेक्ट करना होगा योनो कैश और ऊपर आप देख पा रहे हैं कि एंटर योर कैश ट्रांजेक्शन नंबर रिसीव थ्रू SMS, तो मुझे बैंक से एक SMS रिसीव हुआ है जिसमें मुझे 6 डिजिट का एक OTP या फिर आप पिन बोल सकते हैं वो मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है वो 6 डिजिट का पिन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 6 डिजिट पिन जो मुझे SMS के थ्रू रिसीव हुआ है मैं उसको यहाँ पर एंटर करके कॉन्फर्म कर देता हूँ। कॉन्फर्म करने के बाद मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा, वही अमाउंट जो मैंने ऐप में डाला था, उसके बाद यस कर देता हूँ। यस करने के बाद मुझे अपना जो है मैंने जो ऐप में जो 6 डिजिट पिन सेट किया था मैं वही पिन यहाँ पर डाल के कॉन्फर्म कर देता हूँ।
और जैसे मैं यहाँ पर कॉन्फर्म करता हूँ तो मेरा ट्रांजेक्शन जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस दिखा रहा है, तो यहाँ पर मुझे जो है कैश रिसीव हो जाएगा और मुझे यहाँ पर 500 रुपीज़ रिसीव हो गया। और ऊपर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मुझे पर्ची भी मिल गया। दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने अपना जो है डेबिट कार्ड को यूज नहीं किया और योनो ऐप की मदद से मैंने यहाँ पर पैसा विड्रॉ कर लिया और बहुत ही जल्दी ये पैसा मुझे मिल गया। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सर्विस है जो SBI प्रोवाइड करा रहा है, इसके मदद से आप इजीली अपने डेबिट कार्ड के बिना भी कैश विड्रॉ कर पाएंगे। पर आपको ये याद रखना होगा जिस भी ATM में आप विड्रॉ करने के लिए जाएंगे वहाँ पर योनो कैश अवेलेबल है कि नहीं वो देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वो ATM योनो कैश एक्सेप्ट करता है मतलब अवेलेबल है वहाँ पर, तो उस ATM में जो है योनो का स्टिकर लगा हुआ रहेगा या फिर ATM के बाहर भी ऐसा कुछ स्टिकर आपको देखने को मिलेगा या फिर ATM का जो स्क्रीन है वहाँ पर भी आपको योनो कैश का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसके मदद से आप वहाँ से कैश विड्रॉ कर पाएंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त या फिर फ्रेंड्स फैमिली को सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए योनो ऐप के बारे में और सभी इसको आराम से यूज़ कर पाए। और मैं आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर बाकी सब बैंक भी ये जो फीचर है वो अवेलेबल कर देगा अपने सभी कस्टमर के लिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी अगर ऐसा वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकल विजय का प्यार भरा गुड बाय।